और शुरुआत करते हैं बजट के साथ। आगामी 5 जुलाई को संसद में पेश होने वाले साल 2019 के आम बजट से उद्योगपतियों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों पर जरूर खरी उतरेगी और आम बजट के जरिए उद्योगपतियों को राहत दी जाएगी। इन अपेक्षाओं को लेकर राज्य के प्रमुख व्यापारिक और कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की हमारे सहयोगी विमल कोठारी ने। आगामी 5 जुलाई को सेंट्रल बजट आने वाला है। सेंट्रल बजट को लेकर हर किसी को उम्मीदें रहती है। हमारे साथ राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री डॉक्टर केएल जैन है। हम उनसे जानते हैं इस बजट से क्या उम्मीद है। सर, इस बजट से क्या उम्मीद है? केंद्रीय बजट जो 5 जुलाई को सीतारमण जी पेश करेंगी, राजस्थान चैम्बर का मानना है कि ये राहत का बजट होगा और ख़ास फोकस इस पर होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, मेक इंडिया प्रोग्राम कैसे हो और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, स्किल डेवलपमेंट की दिशा में और एग्रीकल्चर के ऊपर खास करके फोकस रहेगा। ये इसमें टैक्स में रिलीफ भी आएगी, जीएसटी में बदलाव आएंगे और जब तक वो महसूस करती है, उनका मानना है जब तक आदमी के पास पैसा नहीं होगा डिमांड क्रिएट नहीं होगी, डिमांड को बढ़ाने वाला बजट ये होगा जिससे निश्चित तौर पर टैक्सेशन के अंदर काफ़ी रिलीफ आने की संभावना है। हमारे साथ 40 के अध्यक्ष में से सुरेश अग्रवाल हैं, हम उनसे जाते हैं इस बजट में उम्मीद क्या है। सर, जीएसटी को लेकर के व्यापारी हमेशा से चिंतित रहा है, जीएसटी कानून में लेकर के काफ़ी सारे बदलाव की उम्मीदें की जा रही है, क्या लगता है सेंट्रल बजट में व्यापारियों को राहत के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो सेंट्रल बजट आ रहा है वो स्पेशली उद्योग और व्यापार को समर्पित बजट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि नोटबंदी के बाद लगातार पिछले 2 या 2.5 साल से व्यापार बहुत मंदी के दौर में है और व्यापारी मैक्सिमम त्रस्त है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव से पहले जो व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि व्यापारियों को राहत देंगे, व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है ऐसी योजनाएँ, कुछ 50 लाख रुपए तक के स्पेशल लोन जो बिना गारंटी के दिए जाएंगे, ये छोटे व्यापारियों को सबको सहूलियत देने वाले होंगे और मैं समझता हूँ उसकी वजह से ये सारे अगर करेंगे तो उससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। छोटे व्यापार को राहत मिलने का मतलब है इंडस्ट्री का चलना। इन्होंने जैसे कि अपने एजेंडे में भी दिया था कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे और उससे काफ़ी राहत मिलेगी पूरे देश में सभी व्यापारियों को। टैक्स के अलावा भी अगर किसी हैपनिंग हो जाती है, किसी का दुकान को नुकसान होता है या आगजनी हो जाती है तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलने की हमको उम्मीद है। जैसा कि आप देखेंगे कि कोई भी अगर किसी व्यापारी के साथ में गलत दुर्व्यवहार होता है तो ये हमारा जो कल्याण बोर्ड, व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा उससे निश्चित ही हमको फायदा होगा और हम चाहते हैं कि इस बजट में भी काफ़ी रिलीफ मिलना चाहिए। इस बार मोदी जी का अपना आश्वस्त है उस तरह से। कैमरामैन रामनिवास के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।